हवोक ओएस का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है रेडमी 4 और रेडमी नोट 4 के लिए। और हवोक ओएस ने जो किया है काला जादू और ऑक्सीजन ओएस की शक्तियों को जो खींच लिया है वो है आपके एज लाइटनिंग की। आप देख सकते हो एज लाइटनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो हवोक ओएस का ये लेटेस्ट फीचर्स में ऐड किया गया, एज लाइट जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये अपेयर होगा। और इधर ये रेडमी 4 के हवोक भाई है कि ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सो गए हैं, सो इनकी आंख ही नहीं खुल रही है। करीब करीब मैं 15-20 मिनट से इसे ट्राई कर रहा हूँ उठाने की, बट ये है कि इनको बहुत गहरा नींद आ गया है, ऑन होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसे साइड में करते हैं और आ जाते हैं हम अपने रेडमी के नोट 4 के ऊपर, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ और काफी कमाल कमाल की जो नई सेटिंग्स देखने को मिली है। जैसा कि फर्स्ट मैंने आपको एज लाइटनिंग शो किया जो कि ऑक्सीजन ओएस से लिया गया है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी दमदार फीचर्स है। अब आते हैं अबाउट की ओर और चलते हैं आगे की ओर, करते हैं सारे फीचर्स को एक्सप्लोर, क्या कुछ नया ऐड किया गया है और क्या ये अब यूजुअल बन जाता है या फिर अभी भी फुल यूज करने के लिए, हैवी यूज करने के लिए अभी अवेलेबिलिटी का हमें वेट करना होगा। तो कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है, उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को इनेबल और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं आपको देता रहूं। हवोक वर्जन आपको 10 मिलता है वो यहाँ पे एंड्रॉयड का, और हवोक का वर्जन 3.0 मिलता है। 5 दिसंबर का सिक्योरिटी पैच जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है चेंजों के हिसाब से, और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे देता है। यहाँ पे है जो फ्राइडे 6 का बिल्ड है, यहाँ पे नेट कर्नेल है जो यूज किया गया है, लेकिन नेट कर्नेल की एक कमी मुझे लगी है कि यहाँ पे अनटूटू का स्कोर तो रन ही नहीं कर रहा है। मैं अनटूटू का स्कोर भी रन करा करा के जो परेशान हो गया, जैसे कि यहाँ पे रेडमी 4 का जो बूट नहीं कर रहा है, सेम उसी तरह से अनटूटू का स्कोर है जो यहाँ पे रन ही नहीं कर रहा है, चाहे वो लेटेस्ट वाला हो या फिर ओल्ड वाला हो। मल्टी यूजर्स अकाउंट आपको मिल जाता है, टाइम एंड डेट बैकअप रिसेट मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल वेलबींग जो कि बताता है क्या कुछ आपने यूज किया है। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, तो भाई फिंगरप्रिंट वाले गुडिक्स, जी हाँ आप लोगों के लिए बैड न्यूज है कि गुडिक्स वाला अभी तक सपोर्ट आया नहीं है। तो गुडिक्स के लिए आपको है जो वेट करना होगा, पता नहीं कब तक वेट करना होगा, कोई क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो जाने के बाद अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो ऐसा फील हो रहा है कि भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, तो लग रहा है कि अब अंधेर ही अंधेर है, पता नहीं कब जाने फिक्स होगा, आई डोंट नो। साउंड्स के अंदर आते हैं तो एमआई साउंड इनहेंसर देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है। बैटरी के अंदर आपका स्मार्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है जो कि वही है सेम टू सेम। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव डिस्प्ले, टाइमिंग और यहाँ पे आपको जो स्मॉल वेट और लॉक का फीचर्स मिल जाता है, जहां पे आप जो नोटिफिकेशन अपेयर कर सकते हो, लॉकडाउन कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे एड यूजर कर सकते हो। लेकिन ऑलवेज ऑन का भी फैसिलिटी अंदर आपको मिलता है हवो के एक्स्ट्रा सेटिंग्स में। डिस्प्ले कटआउट का नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, ये उन डिवाइसों को ज्यादा सपोर्ट करेगा जिनमें है जो नॉच की फैसिलिटी मिलती है, बट यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है तो आप है जो ठीक ठाक वाले फोन को जो कट करके ठीक कर सकते हो, यानी खराब लेआउट प्रोवाइड कर सकते हो। आई डोंट नो इसकी जरूरत नहीं थी रेडमी नोट 4 यूजर्स के लिए, बट यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको डिफॉल्ट पे ही रखना है, अदरवाइज टाइम टाइम फीस हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो लाइव वॉलपेपर और साथ ही साथ आपको जो कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है थीम का, जो कि कुछ एक्स्ट्रा डिफॉल्ट करके दिए गए हैं, तो आप जैसा चाहो वैसा खुद से अप्लाई कर सकते हो प्लस पे टाइप करके। यहाँ पे फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे नेटवर्क का टाइप कैसा है वो सेलेक्ट करना होगा, मैं भी यही रख लेता हूँ, ठीक है। उसका कलर्स ये आप कर लो या जो कर लो, आइकन से मुझे ये ज्यादा पसंद आता है मैं इसे करूंगा। कस्टम का नेम डालना है डालो या फिर रहने दो, उसका डन कर दो, आपके फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, आइकन शेप चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फॉन्ट्स दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कलर्स भी दिए गए हैं और साथ साथ आइकन शेप्स भी दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिस्टम वाइज आपको डार्क मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि वर्किंग है। यहाँ पे हॉटस्पॉट वाईफाई ये मैंने यूज किया है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जियो यूजर्स के लिए बैड न्यूज ये है कि भाई जियो का फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा ही देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ नेटवर्क दिखाई दे रहा है, तो जियो में इशूज है नेटवर्क को लेकर। साथ साथ वोल्टी का आइकन को मर्ज कर दिया गया है एचडी का आइकन के साथ, तो आपको वोल्टी का नहीं एचडी का आइकन देखने को मिलेगा, लेकिन जियो की कॉलिंग परफेक्ट है। वीडियो कॉल का सपोर्ट भाई अभी भी आपको डेड देखने को मिलता है, तो वीडियो कॉल वर्किंग नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो आपको एज लाइटिंग ऐड कर दिया गया, डेटा स्विच का क्यूएस में ऐड कर दिया गया। अगर आप डबल सिम यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट यहीं पे सिंपली टाइप करके आप सिम वन से सिम टू, सिम टू से सिम वन पे स्विच कर पाओगे अपने इंटरनेट कनेक्शन को। तो ये नया चीज है जो ऐड किया गया है। यहाँ पे क्लॉक और टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐड किए गए हैं और काफी कुछ नए चीजें हैं जो यहाँ पे ऐड किया गया है। साथ साथ पिक्सल 4 के कुछ साउंड्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है नोटिफिकेशन वगैरह को लेकर, और साथ साथ उसके वाइब्रेशन भी ऐड किया गया है। और यहाँ पे जो आपका स्क्रीन शॉट का फैसिलिटी आता है ना, तो ये भी आपको जो फीचर्स दिया गया है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के साथ, लेकिन जो पैरेंटल स्क्रीन शॉट का फैसिलिटी है वो अभी तक ऐड नहीं किया गया, बट चेंजों में डाला गया है कि इसे जो इम्प्रूव किया गया है, बट अभी ऐसा कुछ भी शो नहीं होता है। ब्राइटनेस का डायलॉग भी हल्का फुल्का जो इम्प्रूव किया गया है इसके अंदर भी, और साथ ही साथ आपका जो एम्बियंट के ऊपर जो ब्राइटनेस शो होता है
इसमें भी ये जो इम्प्रूवमेंट की गई है थोड़ी बहुत तक, तो आपको जो AOD यानी ऑलवेज ऑन स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन वगैरह आता है वो भी अब थोड़े से हाई बैठने के साथ है जो शो करेगा, तो इसमें भी ये जो इम्प्रूवमेंट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका है ब्लूटूथ का बैटरी का आइकन, अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हो तो जो बैटरी का आइकन यहाँ पे शो नहीं करता था उसे भी जो फिक्स किया गया है। साथ साथ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आती है इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, क्या कुछ मिल जाता है क्या कुछ नहीं मिलता है, तो गेमिंग मोड वगैरह भी आपको जो देखने को मिल जाता है, एनिमेशंस भी मिल जाती है यहाँ पे, एज लाइटिंग का ये देख सकते हो आप चाहो जैसा भी वैसा आप कलर यहाँ पे खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। तो एज लाइटिंग के साथ ये काफी अच्छा कमाल का काम है जो किया गया है, जहाँ पे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको कैसा लाइट इफेक्ट रखना है, जबकि ऑक्सीजन वॉइस या बाकी अदर में तो कुछ सिलेक्टेड ही आपको देखने को मिल जाते थे। तो ये मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा है, आप खुद से जो मेंटेन कर पाओगे अपने लाइट्स को कि क्या आपको रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक कलर है, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह का भी लाइट है जो कर सकते हो, बस लॉक करना है, जब भी कोई नोटिफिकेशन अपेयर होता है तो आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई जाग जा उठ जा क्यों सो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप जो खुद का पर्सनल फेवरेट कलर डिसाइड कर पाओगे, जो कि मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा। उसके बाद जेस्टर्स में आपको जो मिल जाता है स्क्रीन शूट डबल टैप का जेस्टर्स, और साथ ही साथ यहाँ पे है जो एंड्रॉइड क्यू का जेस्टर, बट फिलहाल ये डिसेबल है तो इसे आपको इनेबल करना होगा बिल्ड प्रो को एडिट करके या पैच फ्लैश करके। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, तब उस वीडियो को वॉच कर लेना अगर आप इनेबल करना चाहते हो, तो अदरवाइज हार्डवेयर की आप यूज कर सकते हो। एम्बियंट में आपको ऑलवेज ऑन चार्जिंग नोटिफिकेशन म्यूजिक डबल टैप बैटरी लेवल ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाता है, हैंड स्वैप पॉकेट वगैरह वगैरह वगैरह। स्क्रीन के अंदर आते तो ऐप का मिल जाता है, क्यूक में आपको टाइल्स वगैरह देखने को मिल जाता है, रो एंड कॉलम वगैरह मेंटेन करने का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेटस बार में आप है जो डबल टैप का स्लीप QS और साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी लेवल परसेंटेज और वोल्टेज का जगह HD का साइन दिया गया जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और बाकी वही सारे कॉमन वाले आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ चीजें नई ऐड की गई है जो कि काफी कमाल की है, और कई सारी चीजों को यहाँ पे इम्प्रूव भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है आपका वीडियो कॉल जियो का, साथ ही साथ गुडिक्स डेड है फुल्ली, और आपको एक और चीज की कमी आपको देखने को मिल जाती है जियो के नेटवर्क की फ्लक्चुएशन की। जी हाँ, तो जियो का नेटवर्क भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, और मैंने बहुत कोशिश किया हाथ जोड़ा भाई अनटूट का स्कोर दिखा दे मुझे, रन कर जा, बट ये तो कहता कि ना मैं तो रन ही नहीं करूंगा। तो ये रन नहीं करता है क्योंकि ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना ये रेडमी 4 का नंबर है, लेकिन रेडमी नोट 4 पे ये रन ही नहीं करता है, आधे दूर के बाद ये फ्रीज हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है, बैठ जाता है, थक जाता है और हार जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ी देर रन किया उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन हो गया, तो यहाँ पे बार बार यही प्रॉब्लम आ रहा है। इसे मुझे बैक पे टैप करने के बाद ये दिखाई देता है कि 70% पे फ्रीज हो जाता है, उसके बाद ये चला जाता है। तो ये रही कंप्लीट डिटेल, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और भी मैं कहूंगा कि भाई उतना परफेक्ट नहीं है नहीं गेमिंग वगैरह के लिए, और रेडमी 4 वाला तो भाई मानने को तैयार ही नहीं है, इसे बहुत तेज नींद आ रही है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और एक लाइक जरूर देना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर अगर मिला।